वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब जो सिनर्जीज बेनिफिट्स है, डेफिनेटली ये जो दो जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं जो मल्टीप्लेक्स क्षेत्र में, अगर वो जुड़ जाए कहीं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको काफी सिनर्जीज देखने को मिलेगी, कंपटीशन कम होगा। और एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो रहता है कि एज अ लार्जर एंटिटी आपके बार्गेनिंग पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, विथ रिस्पेक्ट टू फिल्म यूनिट्स, वो काफी इंप्रूव होता है। तो एंड ऑल्सो जो एडवर्टीजमेंट रेट्स हैं वो आप काफी, बिकॉज आपके जो नंबर ऑफ स्क्रीन है आपका एक साथ प्रेजेंस काफी बड़ा हो जाएगा, तो यू कैन नेगोशिएट बेटर टर्म्स। तो ये काफी सिनर्जीज की एक्सपेक्टेशन रखता है दोनों के मर्जर से, जो कि थोड़े टाइम लगेगा। अभी अगर आप Q4 देखें तो हमने ये देखा था कि जो Q4 में जो रीओपनिंग हुआ था उसका काफी स्टॉक में भी इंटरेस्ट था, एंड दो तीन अच्छे मूवीज रिलीज हुए थे जिसके वजह से स्टॉक में काफी इंटरेस्ट था। अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो ओवरऑल ऑन अ वाई वाई बेसिस, बिकॉज लास्ट ईयर सेम टाइम पे थोड़े से मतलब ये जो मल्टीप्लेक्सेस बंद थे, तो अबाउट 400 करोड़ का हमारा रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है PVR का। एंड जो एबिटा है वो थोड़ा कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा, बिकॉज जो ऑक्यूपेंसी फुल 100% नहीं था, तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 43-44 करोड़ ऑफ एबिटा लॉस फॉर दिस क्वार्टर फॉर PVR। तो ये Q4 में एबिटा लॉस की आप बात कर रहे हैं, करेक्ट? जी, एबिटा लॉस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो Q4 नंबर थोड़ा सा नर्म हो सकता है, लेकिन Q1 Q2 से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। आशीष भैदी, PVR टेक्निकल तौर पर कैसा है, स्पेशली आज के मूव के मद्देनजर बताइए अगला पड़ाव क्या रहेगा? जी हर्षदा मैम, एक कंसोलिडेशन चल रहा है PVR में पिछले 6-7 दिनों से, एक थोड़ी सी फॉलिंग कैंडल्स के साथ एक कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस एक अच्छे रनअप के बाद। तो आज जिस हिसाब से मूव बना है जो इंट्राडे लेवल पे अच्छा चार्ट सेटअप बन गया है, हमें लगता है कि 1890 का एक SL लगाकर करंट लेवल पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ, जो कि जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो 1980 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है PVR में। ओके, PVR आपके स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता है। PVR का अगर आप एक बार DD चार्ट को देखें कि क्या इम्पोर्टेंस है इस चार्ट में, और 1921 पे मतलब प्रॉपर्टी क्या है इस वक्त, समझ लीजिएगा कि एक बहुत क्लासिकल फ्लैग इसमें विजिबल है, और 1950-1980 एक सप्लाई जोन है उसके ऊपर। वाकई अगर आप देखें काफ़ी अच्छे स्विंग्स के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ। और कुछ स्टॉक्स जो कि इम्प्रेस कर रहे हैं, जरा प्लीज़ एक्सिस बैंक लेके आइए डे हाई पर। पेट्रोनेट में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, लेकिन इसको स्किप ही करते हैं। और M&M बड़ा एक क्लासिकल एज पे आके बैठा हुआ है, मानस मेरे को शायद अभी ट्रेड लेने में हिचकिचाहट होती इस पर, लेकिन ये एक बहुत क्लासिकल एज पे आके बैठा है। और ये क्लासिकल इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि 17 नवंबर से लेके अब तक जितने भी इस स्लोपिंग डाउनवर्ड चल के हाई थे उनको ये काटने की तैयारी करता हुआ। आप कोई प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे इस स्टॉक को? 857.14 कैश। देखिए यहाँ पर तो जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी काफी पॉजिटिव बना हुआ है, हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का ट्रेंड है। कुछ दिन पहले स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, उसके बाद हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। मेरा समझना है कि 840 के ऊपर बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 840 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो जब तक उसके ऊपर रहे आप हर गिरावट पे खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 900 रुपए तक किस तरह आपको वापस देखने को मिल जाएंगे M&M में, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 840 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 900 रुपए के टारगेट सेट करिए। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो मेरे ख्याल से M&M का जो ऑप्शन है 860 रुपए का, 15 रुपए के आसपास, वहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए 860 के कॉल ऑप्शन में, और टारगेट ऊपर की तरफ 27 से 30 रुपए तक के भाव।